साउंड ये देता है बेसिकली, दिस साउंड। उससे पहले एक सिंगल वावल आएगा, ठीक है, चाहे वो सी के आए, ई आए, ओ आए, आई ओ यू आए, तो उसके बाद जो साउंड होगी वो खास साउंड बनेगी, ठीक है। उसके पहले सिंगल वावल आएगा, जैसे ये ब्लैक है तो बैक है, डेक है, तो इसमें भी देखें सी के आ रहा है, उसके पहले सिंगल वावल है, इसमें भी सिंगल वावल है, इसके पहले भी सिंगल वावल है। जस्ट लिटिल सा कंसेप्ट है, छोटा सा, याद रखिएगा। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, इफ़ यू विल ज्वाइन अस इन फ्यूचर आई विल बी टीचिंग यू अबाउट। मैं आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लास का कंसेप्ट दूंगा। अच्छा जी, व्हाट इज एडजेक्टिव? अली इज इनोसेंट बॉय। अब यहाँ पे जो इनोसेंट है, ये बॉय का क्या है? ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये उसका क्या है? ये नाउन का एडजेक्टिव है। यानी एक एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है। वी यूज द एडजेक्टिव टू टेल फीलिंग्स। हम एक एडजेक्टिव को कब इस्तेमाल करते हैं? यानी आईएनजी वाले एडजेक्टिव को और ईडी वाले एडजेक्टिव को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अपनी टेम्परेरी फीलिंग दे रहे होते हैं, उसको हम ईडी से वाले एडजेक्टिव से बयान करते हैं। जैसे आई एम बोर्ड, ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड। अब बोर्ड जो है ये भी टेम्परेरी फीलिंग है ना, बाद में कुछ और हो जाऊंगा। शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, तो डिसअपॉइंटेड भी टेम्परेरी हुई है, एक्साइटेड भी टेम्परेरी हम हुए हैं, बोर्ड भी। जब भी इस तरह की सिचुएशन बतानी होती है, आई एम बोर्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, तो इस तरह की सिचुएशन बताने के लिए हम ईडी वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एक ईडी वाला एडजेक्टिव होता है, एक आईएनजी वाला एडजेक्टिव होता है। तो आईएनजी वाला एडजेक्टिव कब इस्तेमाल करते हैं? द यूजेज ऑफ द आईएनजी एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव हैं और ये भी एडजेक्टिव हैं, याद रखें। सो व्हेन यू वी वांट टू नो द इफेक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग, यानी एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है वो बताने के लिए हम क्या बताते हैं? रिजल्टेंट वैल्यू बताने के लिए, द ट्रिप वॉज एक्साइटिंग, कि जो ट्रिप हमने यानी विजिट किया है या जो चीज प्लेस हमने विजिट किया वो बड़ी एक्साइटिंग थी, उसका ओवरऑल रिजल्ट मैंने बताया। द ट्रिप वॉज एक्साइटिंग, ही इज अ बोरिंग पर्सन। तो अब ये रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो हम बता रहे हैं, तो वो हम आई एन जी वाले एडजेक्टिव में बताते हैं। ये भी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्लास जो है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, बाकी एडवर्ब क्लास जो है और नाउन क्लास जो है वो फिर कभी आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको जस्ट अभी बताने लगा हूँ कि व्हाट इज एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लास, वी कैन कॉल इट रिलेटिव क्लास। सो मैं कहता हूं ये क्वालिफाई क्या करता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। रिलेटिव क्लास कह लें या एडजेक्टिव क्लास, तो एडजेक्टिव जो हमारे प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं? वो है हु और हुम, वेयर और विच, दैट। ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, या आप इसको एडजेक्टिव क्लास के साथ जो इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं। इनको नोट कर लें भले, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस जो है वो लिखूँगा, तो आपने अब पहचानना है। अच्छा, एक होते हैं रिलेटिव ये प्रोनाउन थे, और एक रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। फिर हमने ये पहचानना है कि एक एडवर्ब, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एडवर्ब क्लास है और ये एडजेक्टिव क्लास है? लेट्स सी, ये एडवर्ब प्रोनाउन है और ये एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, वो भी इन्हीं तरह के होते हैं, तो कंफ्यूज करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। वो है व्हेन,
वाई और वेयर और हाउ, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ये एडजेक्टिव क्लास के साथ इस्तेमाल होते हैं जब ये एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी एडवर्ब में कोई चीज़ वर्ब के अंदर इजाफा करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव, आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स, ठीक है। आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, यहां पे प्लेस है। अगर तो इससे पहले यानी इस वेयर, ये है ना बेसिकली, इसके बाद ये सारी क्लास आ रही है। अगर तो इस वर्ड से पहले नाउन है तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि हमेशा जो नाउन होता है, अगर नाउन में इजाफा क्या करता है, हमेशा एडजेक्टिव करता है, उसमें एडवर्ब नहीं करता। तो अगर तो वेयर से पहले हमारे यहाँ पे कोई वर्ब होगा तो हम कहेंगे कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये प्लेस जो है ये हमारा नाउन है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मेरी कौन सी क्लास है, ये एडजेक्टिव मेरा, ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा मेरा बन रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला, ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसको मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरा एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब है, तो फिर कैसे देखूंगा, आई नो वेयर ही लिव। अगर यहां पे देखें तो वेयर से पहले मेरे एडवर्ब है, अब ये मेरा रिलेटिव एडवर्ब है, ये वाला, अब वेयर मेरा क्या बन गया, एडवर्ब। तो इस तरह से हम यानी एक